2017 ये साल हमारे देश के लिए बहुत ही यादगार रहा। अब इसमें ऐसा क्या क्या हुआ कि ये इतना यादगार बन गया, चलिए देखते हैं। अब 2017 की बात हो और नोटबंदी की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि नोटबंदी 2016 में हुई थी मगर 2017 में भी उसका असर पूरा रहा। अरे कुलदीप भाई कैसा है भाई? बहुत बढ़िया भाई। और क्या चल रहा है? देख रहा है भाई, भाई पह छाप रहे पह फुलन। अरे यार यार नोटबंदी के बाद अब मिला हूँ यार, तेरा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ मेरे भाई? अरे कोई नुकसान नहीं हुआ पाजी, इन्हें पह पड़े स्विस बैंक वो भी डॉलर दी शक्ल से ओ पह। अरे तुम गरीब लोग रखते हो पह रुपयों में, हम रखते हैं डॉलर में। क्योंकि 2017 में भी ना तो 2000 के छुट्टे मिले और ना मिला रॉबर्ट वाड्रा और विजय माल्या जैसे बड़े लोगों का काला पैसा, मिला तो बस एक अफसोस। काश बचपन के चूरन वाले वो पिंक नोट ना फेंके होते तो शायद आज चल जाते। उसके बाद आया जीएसटी। अब जीएसटी कौन है, कहां से आया है, क्या है और कब कहां कितना कैसे लगता है, ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया। एक मिनट, समझ तो ये भी नहीं आया कि 500 के नोट को 100 के नोट के ऊपर रखना है या नीचे। खैर छोड़ो, एक मिनट, पैसों से याद आया 15 लाख आने वाले थे ना, वैसे 15 लाख रुपए आपके जनधन योजना वाले अकाउंट में आने वाले थे मगर उस अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 50,000 की है। सोचा? अब 2017 में सबसे ज्यादा फायदा बाबा रामदेव का हुआ, जिन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद अपने 2000 करोड़ के पतंजलि के एम्पायर को 10,000 करोड़ का बना लिया और ये साबित कर दिया कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट में हमें आधी नंगी लड़कियों को दिखाना जरूरी नहीं है, ये काम एक आधा नंगा आदमी भी कर सकता है। इक्वालिटी विंस। और पिछले कुछ सालों में एक इंसानों की ऐसी प्रजाति सामने आई है जिससे हिंदुस्तान का हर एक इंसान झेल चुका है, आइए उनसे मिलते हैं। उनका नाम है मोदी भगत। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अरे भैया क्या हुआ भैया? हर हर मोदी, मोदी जी को जिताना है इस बार, देश बदलेगा अब देखना। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अरे भैया कैसे हो भैया? पहचाना भैया, मैं वो हर हर मोदी किया था साथ में। ओ हाँ, याद आया। और कहाँ जा रहे हो? आधार कार्ड बनवाने जा रहा हूँ, अब बदलेगा मेरा देश। अरे भैया क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे बस कुछ नहीं, नोट बदलवा के आ रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटेगा अब बदलेगा मेरा देश। जाएगा माटी के मोड़ जग में। कहाँ चुप रहे थे भैया? अरे अरे अरे, हम कहाँ चुप रहे थे यार, हम कहाँ चुप रहे थे बताइए। अच्छा तो वो आप बोल रहे थे कि देश बदलेगा, बस 2019 का चुनाव आने दो, जीतेंगे पक्का, देश बदलेगा देखना। और 2017 का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है देशद्रोही? यूं तो हमारे देश के सारे बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी और बाकी की इंडियन क्रिकेट टीम भी लावा, वीवो जैसे चाइनीज फोनों की ऐड करती है, मगर तू, हाँ भारत देश के गरीब आदमी तू, तूने अगर 10 रुपए बचाने के लिए चाइना की लाइट खरीदी, तू देशद्रोही है। अगर दिवाली पे पटाखे चलाए तो देशद्रोही, बीफ खाया तो देशद्रोही, पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई तो देशद्रोही, दूसरी पार्टी को वोट दिया तो देशद्रोही, पोन देखा तो देशद्रोही और जी न्यूज नहीं देखा तो भी देशद्रोही। पानी दे यार। साहब 2 दिन से प्यासे हैं, हमें भी पानी पिला दीजिए थोड़ा। हमारे देश के सिपाही वहां सरहद पे भूखे प्यासे अपनी जान दे रहे हैं और तेरे को पानी चाहिए, देशद्रोही। तो ये थी मेरे मन की बात 2017 को लेकर। और अरे तू है क्या लौंडिया घुमाने वाला है, तू है क्या मंत्री बनेगा तू? अरे सर, उसकी मर्जी से घुमा रहा था सर, लड़की से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था सर, उसकी मर्जी चलेगी,
हम किसले बैठे हैं, हैं? किसले बैठे हैं हम यहाँ? अरे सर, सर आप समझ नहीं रहे सर। सर एक बात बोलूं, अगर देश को बदलना है ना तो सोच को बदलना होगा, सिर्फ नोट बदलने से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, अगर हम भूख प्यास जैसे रीजन से मरते रहेंगे ना, तो जिन लोगों ने वहाँ कुर्बानी दी है ना सरहद पर, उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तेरी पतंग उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती। सूट तो नहीं कर रहा था ये? हाँ। कहाँ से आया है ये किसी को पता नहीं है। पता यार ये नहीं है। कब कहाँ कैसे और कितना लगता है? एरोप्लेन फिर आ गया इसकी बहन का। फ्लाइट आ जाएगी। 3, 2, 1, एक्शन। अब